Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. And just in case you are new here, welcome to my channel. As you can see from the background, I have lot of products. थोड़े बहुत front में भी रखे हैं and I have another one. This is more like a collective haul. बहुत सारी चीज़ें मैंने भी shop करी है plus काफ़ी सारी चीज़ें PR में आई थी तो मैंने सोचा एक collective haul बना लेते हैं जैसे कि मैं पहले बनाया करती थी. बहुत time से मैंने बनाया नहीं था. So yeah, ज़रा बैठते हैं, सब कुछ खोलते हैं, सबके first impression या फिर जो भी मैं आपको products के बारे में detail देना चाहती हूँ मैं इस video में आपको दे दूंगी. एंड किसी का भी अगर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे बता भी सकते हो कि इसका प्रॉपर रिव्यू दो. आई विल मेक अ रील, शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियो फॉर यू गाइस. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नायका के साथ. ये तो मैंने ही ऑर्डर किए थे, मैंने थोड़े बहुत एसेंशियल ऑर्डर करे थे नायका से. डील भी अच्छी चल रही थी सो मुझे लगा जरा मंगा ही लेते हैं. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई ऑर्डर्ड. सबसे पहला आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है पेपर रैप में आया है. दीज आर द वादी एल्बो फुट एंड नी स्क्रब सोप. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आप बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो, स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते हो, आपको पता होगा मुझे ये बहुत पसंद थे. एक तो अफोर्डेबल है, स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. स्पेसिफिकली लाइक पैरों में स्क्रबिंग करनी हो, नीज में, ये जो एल्बोज हैं, इसका नाम भी वही है, नी एंड एल्बो स्क्रब. बट ये थोड़े बहुत जेंटल स्क्रब है, आप इसको एज अ फुल बॉडी स्क्रब भी यूज कर सकते हो. सो ये सोप की तरह आता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ये बिल्कुल सोप जैसा बार है लेकिन इसके अंदर स्क्रब्स डले हुए हैं. सो इसके अंदर बहुत टाइनी टाइनी ना ऐसे स्क्रब्स के ग्रैनुल है. आप जैसे इसको बॉडी पे स्क्रबिंग करोगे आपकी डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे. तो ट्राइड एंड टेस्ट आपको रिव्यू दे रही हूँ. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अनदर एसेंशियल ऑफ माइंड. ये मैं भी रिसेंटली अपने टॉप 10 मोस्ट ऑब्सेस्ड प्रोडक्ट्स में भी आपको दिखा चुकी हूँ. दिस इज द सेबामेट केयर जेल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मेरे डर्मैट ने भी रिकमेंड किया हुआ है बट वैसे भी मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. इसमें मैं अपनी एक्ने वाले जेल मिक्स कर लेती हूँ या फिर ऐसे भी लगा लेती हूँ. ये बहुत अच्छा है. इस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आता. आई थिंक इस पर 10 या 15 रुपये का डिस्काउंट होगा, दैट्स इट. इससे ज़्यादा इस पर कभी डिस्काउंट नहीं आता बिकॉज ये काफ़ी अच्छा इनका बेस्ट सेलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है. ये बना है इम्प्योर ऑयली स्किन के लिए. इसके अंदर हाइलुरॉन एलोवेरा जेल है, इसमें एलेंटॉइन है, पैंथेनॉल है. अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है या कोई प्रोडक्ट रिएक्शन हो गया हो या फिर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रेडनेस है फेस पे, आपने थ्रेडिंग या कुछ कराता है ना, इससे काफ़ी बार रेडनेस आ जाती है, उस केस में बहुत अच्छा है. दिस इज़ लाइक अ क्लियर जेल. अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता ना, आप ये यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको एलोवेरा की गुडनेस भी मिलती है. नेक्स्ट वी हैव नेल पेंट्स. बिकॉज नेल पेंट्स मेरी बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाती है और मैं सिर्फ न्यू नेल पेंट्स ही लगाती हूँ. मैं कुछ भी पिंक, रेड ऐसा कुछ नहीं लगाती, जस्ट न्यू नेल पेंट्स. मैंने 3 ऑर्डर करी है. सबसे पहले तो आई थिंक नायका की है जो मैं सबसे ज़्यादा लगाती हूँ. जैसे ही फिनिश होती है मैं इसका सेकंड मंगा ही लेती हूँ. दिस इज़ द नायका इंस्टा लाइक नेल इनामल इन द शेड रोज एडिट. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. अभी जो मैंने लगाई है वो जूडियो की लगाई हुई है बट ये सॉर्ट ऑफ एक सिमिलर शेड है लेकिन थोड़ा सा और डार्क टोन में है. ये मुझे बहुत ब्यूटिफुली सूट करती है. अगर आपकी भी थोड़ी सी जैसे मेरे जैसा इंडियन वीटिश स्किन टोन है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है. इंस्टा लाइक इसका नाम है, डेफिनेटली चेक इट आउट. रोज एडिट इज द नेम. सबके लिंक्स बाय द वे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, सो वरी नॉट. नेक्स्ट अप इज समथिंग फ्रॉम नायका ओनली, लेकिन ये नेल पेंट नहीं है, दिस इज मोर लाइक अ नेल ट्रीटमेंट. सो मैंने थोड़ा टाइम पहले नायका से मंगाया था उनका नेल स्पा सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जो व्हाइट कलर का था. वो भी एक नेल हार्डनर है, आप उसको बेस पे लगा सकते हो. बिकॉज काफ़ी बार जब हम नेल पेंट लगाते हैं हमारे नेल्स के ऊपर कलर आ जाता है, उसके ऊपर एक टिंट आ जाता है, नेल्स वीक हो जाते हैं, तो उस केस में ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं. सो इस बार मैंने मंगवाया है इनका नायका रॉक हार्ड नेल हार्डनर. सो इसका नाम भी यही है, नेल हार्डनर. सो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर आप इसको खाली, आप कोई नेल पेंट नहीं लगानी है, आप उसको डायरेक्टली अपने नेल्स पे लगाओगे, आपके नेल्स को थोड़ा सा ये हार्ड करेगा, उसको चिप होने से बचाएगा. बिकॉज मैं मेरे नेल्स बहुत जल्दी चिप ऑफ हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जब कोई नेल्स कराओ वो तो वैसे ही बफ कर करके नेल बेड आपका पूरा खराब हो जाता है. सो अगर आपका भी नेल बेड बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो उस केस में आप ये रॉक हार्ड यूज़ कर सकते हो. आप इसको बेस पे लगाओ फिर इसके ऊपर नेल पेंट लगाओ तो उससे आपके कहीं ना कहीं नेल्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं. नेक्स्ट अप इज समथिंग आई थिंक मैंने मार्च की मंगाई थी, तो बहुत टाइम हो गया ये सामान ऑर्डर करे ना, मैंने खोला भी नहीं था कि चलो वीडियो बनाऊंगी तभी दिखाऊंगी. इसका रिटर्न पीरियड भी जा चुका है बाय द वे. काफ़ी बार मैं रिस्क ले लेती हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे रिटर्न पीरियड निकल जाते हैं. सो या दिस वन इज फ्रॉम मार्स. ये है यूरो नेल 12 इज अ शेड नेम बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक काफ़ी छोटी सी है, छोटी सी टाइनी सी बॉटल है बट इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा. अगेन जो मैं लगाती हूँ सॉर्ट ऑफ एक सिमिलर शेड है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ है बट पता नहीं, बट दिस व्हाट इट लुक्स लाइक. ये भी बहुत अफोर्डेबल थी, डील पे अच्छे प्राइस में मिल रही थी तो मैंने ले ली. हो गया है एम्टी, लेकिन इसमें कुछ फ्री हमें मिला है. नायका कुछ ना कुछ फ्री देता ही रहता है. दिस इज अ क्लिनिक 100% शो ओके मॉइस्चर सर्च का सैम्पल. आई लाइक इट नाइस. मैं जब भी ट्रिप्स पे कहीं घूमने जाती हूँ ना मैं सैम्पल्स हमेशा कलेक्ट करती, मैं अपने वो पाउच में डाल देती हूँ. मेरा एक ट्रिप का पूरा एक ट्रैवल पाउच है, उसमें हमेशा जब भी कोई सैम्पल आता है
ये बुलेट बाइक मुझे इतनी गंदी लगती है ना, सो जब भी मेरा कोई सैंपल आता है ना, मैं उस पाउच में पहले से ही डाल देती हूँ ताकि नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैं एकदम रेडी रहूँ। तो उन्होंने ये सैंपल दिया है, बहुत छोटा सा होता है, खाली एक बार यूज़ करने का होता है, एंड दैट्स इट। मेरे नेक्स्ट पैकेज ये मैंने एक साथ ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद आया था और अलग से रिसीव हुआ था। ये मैंने स्पेसिफिकली मंगवाया है मेरे फुट स्पा की मशीन के लिए। अगर आपने मेरा रिसेंट रिव्यू नहीं देखा अगैरो के फुट स्पा पे, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। सो मैं उसमें सर्च कर रही थी कि उसके अंदर क्या डालना चाहिए, तो मुझे गूगल रिजल्ट में मिला कि आप ये एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो। और ये काफ़ी लोकल सा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों, बट ये बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल था। नायका से ही मंगाया है मैंने, दिस इज़ द ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर ब्रांड है, एप्सम बाथ सॉल्ट, या इसको बाथ सॉल्ट कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली ऐसे कुछ सॉल्टी सॉल्टी कुछ होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप देख भी सकते हो, वाइट कलर का, जैसे नॉर्मल हमारा नमक दिखता ना है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है, बट दिस इज़ एप्सम सॉल्ट। इसको अगर आप नहाने के पानी में या फिर जब आप पैर अपने डालते हो उसमें डालोगे तो काफ़ी अच्छा एक रिलैक्सिंग सेंसेशन मिलती है। पैकेज इज़ फ्रॉम नायका, ये मैंने परचेज नहीं किया, ये नायका से पीआर में, नायका का अभी चल रहा है CSMS वीक बेसिकली। सो नायका एक रूटीन प्रमोट करता है विच इज क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये पूरा एक रूटीन है जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। सो उन्होंने मेरी स्किन टाइप के हिसाब से एक CSMS रूटीन भेजा है, सो जरा मैं दिखाती हूँ। स्टेप नंबर वन इज क्लेंजर, उसके लिए उन्होंने दिया है ये राइस वाटर ब्राइट फेस शॉप का फोमिंग क्लेंजर। ये मैंने पहले यूज किया हुआ है, आई लव इट, ये बहुत अच्छे से फोम होता है, स्किन इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। सो वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट अगेन, आई लव इट, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। अगर ऑयली स्किन के लिए अगर आप अच्छा फेस वॉश देख रहे हो, आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज सीरम विच इज एस, सो ये है मिनिमलिस्ट का हाइलुरोनिक प्लस PGA 2% फेस सीरम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो रेगुलर जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम होते हैं, ये वही वाला सीरम है। ये तो मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ बिकॉज मैं डेली बेसिस पे अगर एक्टिव बेस्ड सीरम नहीं यूज करती हूँ तो एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर लेती हूँ। ये भी मैंने बहुत पहले यूज किया हुआ है, हल्का सा एक स्टिकी स्टिकी फील होता है बट काफी अच्छे से नरिशमेंट देता है। अभी जो आने वाला वेदर है विंटर में, हाइलुरोनिक एसिड बहुत काम आने वाला है बिकॉज एक सॉर्ट ऑफ एक प्लम बना के रखता है हमारी ड्राई स्किन को। सो दिस इज स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री इज मॉइस्चराइजर, उसके लिए है सेरावी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई स्किन। ये क्यों भेजा है मेरे को, ये मेरे स्किन टाइप का नहीं है, बट ठीक है, आने वाले वेदर के हिसाब से काम आएगा। दिस इज द मॉइस्चराइजर्स हेल्प रिस्टोर द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर ऑफ फेस एंड बॉडी, इसके अंदर सेरामाइड्स हाइलुरोनिक एसिड है। सेरावी का क्लेंजर मेरा फेवरेट है, यू गाइज नो आई लव इट, सो ये उसी रेंज का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट। सेरावी इज नाउ अवेलेबल ऑन नायका इफ यू डोंट नो। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज सनस्क्रीन, सो सनस्क्रीन के लिए है हमारे पास ब्यूटी ऑफ जोसन जोसियन, ओके, ये कोई कोरियन ब्रांड है। दिस वन इज द रिलीव सन राइस एंड प्रोबायोटिक SPF 50 विथ PA++। ओके, अभी तो सील्ड है, जरा इसको खोल के देखते हैं। ऑलवेज एक्साइटेड टू ट्राई के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकॉज काफ़ी फैंसी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, काफ़ी फैंसी पैकेजिंग है इसकी, जरा स्वॉच करके देखूँ। बाकी सब यूज़ किया हुआ ना तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नया आता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लाइक अ वाइट मॉइस्चराइजर जैसी सनस्क्रीन। ओह, इट्स क्वाइट लाइट, नाइस। मुझे लगा सनस्क्रीन है थोड़ी हैवी हैवी होगी, सी जुक करके चलेगी स्किन में, और ये भी काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट दे रही है। सो आई थिंक जो पूरा रूटीन है ना वो आने वाले वेदर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है बिकॉज सॉर्ट ऑफ जो ऑयली स्किन विंटर्स में हल्की ड्राई हो जाती है, थोड़ी डल हो जाती है, उसके हिसाब से जो ये एंटायर फोर स्टेप रूटीन है काफ़ी अच्छा है। इन पर अभी डील चल रही है बिकॉज नायका का CSMS वो पूरा एक वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट अप वी हैव ज़ूडियो ब्यूटी। ज़ूडियो का प्रॉपर एक डेडिकेटेड ब्यूटी स्टोर खुल चुका है जहाँ पे बिल्कुल आपको सफोरा वाइब्स आएगी, लेकिन अफोर्डेबल वर्जन आप बोल सकते हो। जहाँ पे मिसबू था ना, मैंने मिसबू का हॉल भी बनाया था, वो मिसबू पूरा बंद हो चुका है शट डाउन होके, अब उन्होंने ज़ूडियो ब्यूटी में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने अभी जस्ट शूट करी है, वो डेफिनेटली इस वीडियो से पहले लाइव चली जाएगी। सो मैं यहाँ का या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। मैंने बहुत सारा मेकअप परचेस किया है, उस वीडियो में आपको दिख भी जाएगा क्या क्या, थोड़े से एक्सेसरीज भी लिए हैं, बट इसके अलावा मैंने पूरा जो एक फेस मेकअप का सामान होता है ना, मैंने सब कुछ लिया है। सो मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी है, रिव्यू दिया है कि ये वर्थ इट है फिर नहीं है, फ्रॉम बेस मेकअप, हाईलाइटर, आई मेकअप। सो डेफिनेटली आप वो वीडियो देख सकते हो बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट पीआर पैकेज इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड सन की, ये नॉट सन की, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला, सन एंड की, सन की। सो ये बहुत पहले मैंने ब्रांड ट्राई की थी स्मिटन से, मैंने तब प्रमोट भी करी थी, मतलब दिखाया था। सो द ब्रांड रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम कि हमने पूरी ब्रांड रिवैम्प
एग्जाम कर दिया है, वी आर लाइक वर्किंग ऑन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नाउ. तो उन्होंने बहुत सारे मुझे सनस्क्रीन बेस्ड प्रोडक्ट भेजे हैं, मतलब जितने प्रोडक्ट हैं इसमें सारे सनस्क्रीन वाले प्रोडक्ट्स हैं. सो लेट्स क्विकली सी, मैंने अभी तो खोला भी नहीं है. तो सबसे पहला आइटम जो है वो है मिस्ट. ओ इट्स अ सनस्क्रीन मिस्ट, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस. नाइस, ये सन की SPF 50 सनस्क्रीन मिस्ट विद राइस वाटर हाइलुरोनिक एसिड. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. द क्वांटिटी सीम्स नाइस, काफ़ी बड़ी बॉटल निकलने वाली है शायद अंदर से. आई लव सनस्क्रीन स्प्रेज, बिकॉज कहीं भी जाओ ना कभी कभी होता है कि नहीं यार दोबारा कौन सनस्क्रीन लगाएगा, तो फटाफट से स्प्रे किया एंड यू आर गुड टू गो. स्पेसिफिकली जब कार में बैठे हो, मतलब एक हाथ पे इतनी धूप आती है ना, फिर ऐसा लगता है फटाफट स्प्रे करो एंड दैट्स इट. सो दिस इज द सन की सनस्क्रीन मिस्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. प्लास्टिक पैकेजिंग है विच इज गुड, ट्रैवल फ्रेंडली भी हो गई. ओह नाइस, काफ़ी हाँ काफ़ी फाइन स्प्रे है इसका. आई लव द फ्रेगरेंस टू, इज नॉट दैट लोकल वाली, बहुत अच्छी प्लीजिंग फ्रेगरेंस है, बहुत हल्की हल्की फ्रेगरेंस इसमें से आ रही है विच इज़ गुड. इसमें आपको मिलेगी SPF 50, इसमें राइस वाटर है, हाइलुरोनिक एसिड है, पॉल्यूशन डिफेंस, इंफ्रारेड रेज प्रोटेक्शन, री एप्लीकेशन ओवर मेकअप आप कर सकते हो. दिस इज़ फॉर फेस एंड बॉडी, दिस इज़ नाइस. अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपके लिए कूपन कोड लेके आऊँगी, बिकॉज मैंने ब्रांड को बोला था कि आई नीड अ कोड फॉर माई ऑडियंस. तो अगर वो होगा मैं यहाँ पे कहीं इंसर्ट कर दूंगी. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, आई रियली लाइक दिस वन. नेक्स्ट अप वी हैव सन की SPF 50 इंस्टेंट ब्राइटनिंग फ्लूइड सनस्क्रीन. सो ये लिक्विड बेस्ड सनस्क्रीन है, थोड़ी पतली होगी आई थिंक. इसमें है ट्रांस एग्जामिक एसिड. ओ नाइस, ट्रांस एग्जामिक एसिड अगर आपको नहीं पता एक्ने मार्क्स को लाइटन अप करने में हेल्प करता है. वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है, इसमें है PA++ विद UVA UVB प्रोटेक्शन. दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, तो आप डेफिनेटली बीच पे भी जा सकते हो. स्वेट रेजिस्टेंट है. ओह इट्स टिंटेड, नाइस. आई लव टिंटेड सनस्क्रीन, मतलब दोनों काम हो जाते हैं. मेरा आजकल ज़्यादा मन नहीं करता ऐसे भर भर के फाउंडेशन मेकअप करने का. मैं कहीं भी जाती हूँ टिंटेड सनस्क्रीन लगाई, दैट्स इट. थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं तो दिखने दो, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ अपनी स्किन में. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, नाइस. एंड इट्स क्वाइट ईजी टू ब्लेंड, काफ़ी पानी जैसी है, इट्स मोर लाइक अ वाटर लाइक सनस्क्रीन. हल्का हल्का इसमें टिंट है तो वाइट कास्ट तो आने नहीं वाली. Nice, this is also good. ये मैं definitely use करूँगी. This is how the packaging looks. Nice. Okay, next up we have another product. This is the SPF 42. Okay, 42 is a different number. मतलब SPF 40, 50 नहीं है, 42 SPF है इसमें. Invisible Glow Sun Serum. Okay, it's a serum, लेकिन sun serum है with super antioxidant, lightweight, dries down instantly, semi matte, satin matte इसकी finish है. Oxybenzone fragrance इसमें नहीं है, which is good, and works as a primer. Oh, उन्होंने specifically लिखा है. It works as a primer. Okay. Ooh, it's literally like a primer. Can you see? Nice. Oh my god, this is proper gel jaisa primer jo hota hai na. Yeah. Literally meri jo jitni fine lines thi na haathon mein wo puri aise blur out ho gayi. Very nice. तो इसकी satin matte finish है and इसमें SPF 42 भी है. सो आपको literally primer में SPF मिल रही है which is very good. मैं जब भी proper कहीं दिन में कोई wedding हो, कोई function हो, दिन में मैं जब makeup करती हूँ ना party का, तो मैं sunscreen skip कर देती थी because sunscreen लगाने से एक white cast आती है, आपका makeup बड़ा white white सा दिखता है. So this is very nice. ये बहुत अच्छा idea है कि आपने primer में ही sunscreen के benefits डाले हुए हैं which is very good. इन्होंने specifically लिखा भी हुआ है. Let me just zoom in and show you. Works as a primer. This is how the packaging looks like and the quantity is very good. Primer ke hisab se quantity is nice. Main isko bhi kholungi na to main aur zyada confused ho jaungi, but it's more like a moisturizer based sunscreen. Main samajh gayi hu iske claim se. Agar aap ghar pe ho, aapko ek light sunscreen use karni hai, to aap aisa kuch use kar sakte ho because ye moisturizer ka bhi kaam kar raha hai aur ye sunscreen ka bhi kaam kar raha hai. So nice. Overall I'm very impressed. Mujhe ye sunscreen ka spray bahut acha laga, mujhe ye primer ka idea bahut acha laga and ye tinted sunscreen mujhe bahut achi lagi. So ab tak I'm very impressed, very very happy sun ki. अगर पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपके लिए कूपन कोड यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. यू कैन यूज दैट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड गेट सम डिस्काउंट. हैशटैग नॉट ऑल स्पॉन्सर्ड, आई जस्ट वांट टू सपोर्ट द ब्रांड बिकॉज ब्रांड ने बहुत प्यार से मुझे रीच आउट किया था कि प्लीज हमारी नई ब्रांड है ट्राई करो. सो आई सेड व्हाई नॉट, सनस्क्रीन को मैं कभी मना नहीं करती. नेक्स्ट अप वी हैव मार्स कॉस्मेटिक्स. मार्स का जब भी PR पैकेज आता है ना मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मैं आते ही खोल लेती हूँ. तो ये तो डेफिनेटली मैंने आते ही खोल लिया था बट प्रॉपर ऐसे देखा नहीं. सो आई थॉट जरा आपके साथ बैठ के देखूंगी. मैंने ब्रशेस देख लिए थे. सबसे पहले मार्स ने भेजे हैं ये दो ब्रशेस. सबसे पहले है इनका स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश. सो इनके सिंगल सिंगल ब्रशेस भी आते हैं. मेरे पास पूरा एक इनका जो गोल्डन ये वाला सेट है ना, आर्टिस्ट आर्सेनल ब्रश समथिंग करके, वो पूरा सेट भी है मेरे पास. लेकिन आप इनके सिंगल सिंगल भी ले सकते हो. सो ये है एक छोटा ब्रश एंड देन वी हैव अ परफेक्शन प्रिसिशन आई ब्रश जो थोड़ा सा एंगुलर है.
सो दो इसके अंदर ब्रशेज आए हैं एंड एवरीथिंग इज प्रिटी मच बबल रैप. मैंने ऐसे ही थोड़ा सा देख लिया था अंदर से, बहुत अच्छे से बबल रैप करके उन्होंने दिया है. आई हैव अ कोड विद मार्स एज वेल. अगर आप मार्स के ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे डिस्काउंट होते हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. मेरा कोड है कशिका 10 और समथिंग, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. रोज मार्स ने लॉन्च करी है उनकी न्यू आई शेडोज जो काफी टाइनी और मिनी है. आई लव, मुझे छोटी आई शेडोज बहुत पसंद है. इतनी बड़ी आई शेडो जितनी ले लोगे ना, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए. एंड ट्रस्ट में, एक अच्छे बेसिक आई लुक के लिए आपको बहुत सारे शेड्स की जरूरत नहीं है. सो वी हैव फोर मिनी पैलेट्स राइट ओवर हियर. सबसे पहले है इनका ब्लूमिंग प्लश आई शेडो पैलेट, देन वी हैव इंपीरियल, देन वी हैव ऑर्चिड एंड डहलिया. सो चार बड़े ब्यूटीफुल से पैलेट हैं. सबसे पहले मैं पिंक वाला खोलती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज लव पिंक पैलेट्स. ओके, द पैकेजिंग इज प्रिटी गुड, काफी अच्छी प्रिटी सी पैकेजिंग है. प्लास्टिक एकदम मैट पैकेजिंग एंड वी हैव अ फुल साइज मिरर टू विच इज नाइस. आप ट्रैवल भी कर सकते हो. सो दिस इज हाउ द मिनी पैलेट्स लुक्स लाइक. ओह, दीज आर नाइस. ये मोर लाइक अ ब्राइडल लुक अगर आपको क्रिएट करनी हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं. प्रेस्ड शिमर बाय द वे, तो आपको कुछ भी ग्लू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. जरा मैट शेड भी ले ही लेते हैं. एंड दीज आर द मैट शेड. स्वॉच टाइम. ओह नाइस. एक तो पहले वो मैंने प्राइमर वाली सनस्क्रीन लगाई हुई थी ना, तो काफ़ी अच्छे से मेरा हैंड्स एकदम प्राइम्ड अप थे. सो आई शैडो बहुत ब्यूटीफुली ग्लाइड हुई है. लाइक लुक एट दिस, लेट मी जस्ट ज़ूम इन एंड शो यू. सी, इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. मार्स इज डूइंग रियली नाइस जॉब व्हेन इट कम्स टू आई शैडो. दीज आर अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी एंड आई लव द फैक्ट दीज आर मिनी, ट्रैवल फ्रेंडली एंड वेरी नॉन कन्फ्यूजिंग आई शैडो, यू कैन से. बाकी तीनों पैलेट्स की पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज अगर सबके स्वॉचेस दिखाने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. बट ओवरऑल द क्वालिटी इज रियली नाइस, कांट वेट टू यूज इट. मैं फ्यूचर में कोई भी लुक क्रिएट करूंगी, मैं डेफिनेटली यूज करूंगी एंड आई गिव यू अ नाइस क्विक इंप्रेशन ऑफ दीज पैलेट्स. नेक्स्ट वी आर पैकेजेस फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड मिक्स सून, द बिगनिंग ऑफ मिनिमल ब्यूटी. ये कोरियन ब्रांड है. व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आई वाज लाइक व्हाई नॉट. सो अब ये टीरा पे भी अवेलेबल है. दे हैव अ कोलैबोरेशन विद टीरा नाउ. सो हैव बंच ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिक्स सून. लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव. सबसे पहले है मेरे पास इनका सोयाबीन मिल्क पैड, जो पढ़ने के बाद समझ आया. इसमें तीन शीट्स हैं बेसिकली. वो कह रहे हैं आप चीक्स, फोरहेड और अपनी चिन पे रख सकते हो 10 मिनट्स के लिए एंड देन उसको हटा दो और थोड़ा सा जो भी एक्सेस होगा उसको वाइप ऑफ कर दो. सो इट्स सॉर्ट ऑफ एक शीट मास्क की तरह है, लेकिन ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है. नेक्स्ट अप वी हैव मिक्सून ग्लेशियर वाटर हाइलुरोनिक एसिड सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं प्रॉपर इनका फर्स्ट इंप्रेशन करने वाली हूँ एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, तो वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में दिखेगा. इंस्टाग्राम पे मोस्ट प्रॉब्ली मैं डालूंगी. दिस इज द मिक्सून बीन एसेंस प्योर इंग्रेडिएंट ओरिएंटेड स्किन केयर ब्रांड. सो ये इनका बीन एसेंस कुछ है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नेक्स्ट अप वी हैव मिक्सून बीन क्रीम. आई डोंट नो, इनकी पूरी एक बीन करके रेंज है. सो सब कुछ सोयाबीन बीन बेस्ड है. समथिंग आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट. ये जब आया था मैंने उसी टाइम खोल लिया था, यूज नहीं किया अभी तक बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन में अभी शूट करने रहते हैं मेरे. सो दीज आर मिक्सून बीन टोनर पैड. जैसे कोरियन टोनर पैड्स आते हैं ना, कि आप इसको एक एक पैड निकालोगे. बहुत फैंसी इसकी पैकेजिंग है. लाइक लुक एट दिस. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. प्लास्टिक ऐसे कंटेनर है. यहाँ पे प्रोडक्ट जो पैड्स है सिंगल सिंगल यहाँ पे है एंड वंस यू ओपन इट यहाँ से सील निकलेगी. देन वी हैव अ स्पैचुला एज वेल, जिसके थ्रू प्लकर जैसा होता है ना, आप एक एक पैड निकाल सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट एक्सफोलिएट योर स्किन, विच इज वेरी वेरी कूल. प्रॉपर रिव्यू आने वाला है. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स. आप मेरी चेक करते रहो बिकॉज ये सारे छोटे छोटे रिव्यूज या तो रील्स पे आते हैं या फिर शॉर्ट्स पे आते हैं. एंड द लास्ट पैकेज इज फ्रॉम अमेजोन, जो मैंने रैंडमली ऑर्डर कर लिया. मुझे रात को पता नहीं बैठे बैठे क्या हो जाता है, मुझे लगता है ये चीज तो मैं भी कर सकती हूँ, जरा ऑर्डर करके देखते हैं. सो मेरा मन था घर में जेल नेल्स करने का. मैंने स्मिटन से ऑलरेडी वो लैंप ऑर्डर कर दिया है और वो आ भी चुका है. मैंने आपको आई थिंक अपने स्मिटन मिनी हॉल में दिखाया भी था. इट्स लाइक अ एलईडी लैम्प जिसके अंडर आप लाइक अपने जो नेल पेंट होते हैं वो ड्राई करते हो बिकॉज जेल नेल पेंट बिना एलईडी के ड्राई नहीं होती. जेल नेल पेंट ना मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, मैं बहुत पहले गफार मार्केट से लेके आई थी. सो इसके अलावा मुझे कुछ और सामान चाहिए था, तो मैंने वो अमेजोन से ऑर्डर कर लिया. मैं खुद अपने जेल नेल्स घर पर करने वाली हूँ. प्रॉपर उसकी वीडियो आएगी जरूर. मैं फर्स्ट टाइम जब करूंगी मैं रील्स या फिर कोई शॉर्ट डेफिनेटली फिल्म करूंगी. सो मैंने ये अलग से ऑर्डर किया है. दिस इज अ ग्लीविया टॉप कोट रबर बेस कोट डिहाइड्रेटर प्राइमर. आई डोंट नो क्या क्या है ये, कुछ इस तरह से दिखता है. इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, एक है टॉप कोट एक है बेस कोट. बिकॉज मैंने स्टडी किया था कि जेल नेल पेंट कैसे लगाते हैं. सो दे टोल्ड कि पहले आपको बेस कोट लगाना होता है, फिर उसको लैम्प में रखो, फिर जेल नेल पेंट लगाओ, फिर उसको दोबारा लैम्प में रखो और फिर टॉप कोट लगाओ ताकि आपके नेल पेंट लंबे चले. तो मुझे सबसे अच्छे जो बेस्ट रिव्यू वाले दिखे अमेजोन पे वो यही थे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये है सबसे पहले शाइनी टॉप कोट.
कोट, इसको टॉप पे लगाना है। एंड दिस इज अ बेस कोट यूवी एलईडी क्योर्ड, ये दोनों यूवी एलईडी वाले हैं। आप इसको नॉर्मली ऐसे नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये ड्राई ही नहीं होगा, जब तक इसमें एलईडी लाइट नहीं पड़ेगी ये ड्राई नहीं होगा। सो मैंने ये मंगवाया है अमेजोन से। अगर आपको करने आते हैं, आप करना चाहते हो, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, लैम्प का भी लिंक, इसका भी लिंक, अदरवाइज जब वीडियो आएगी तब आपको मैं डेफिनेटली प्रॉपर बता सकती हूँ। फाइनली एट लास्ट वी हैव द डॉट इन की पिया पैकेज, जिसका बॉक्स मैंने खाली करके अपनी बास्केट में डाल लिया था बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे। सबसे पहले डॉट इन की ने भेजा उनका ये 3-स्टेप रूटीन जो है, इनका डॉट इन की बैरियर रिपेयर रूटीन। सबसे पहले है इसमें सेरामाइड वाला फेस वॉश, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मुझे विंटर्स में काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने यूज़ किया हुआ है। आई थिंक उन्होंने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है और पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसमें सेरामाइड है, हाइलुरोनिक इन्फ्यूज्ड है, इसमें सोप SLS SLES नहीं है, इट इज़ डर्मा टेस्टेड एंड सेफ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नॉर्मल ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। तो अगर आपकी ऐसी स्किन टाइप है आप ये यूज़ कर सकते हो। आई हैव अ कोड विद डॉट इन की बाय द वे विच इज़ कशिका 15, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा डॉट इन की पे। कोई भी सेल चल रही हो आप अगर मेरा कोड लगाओगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड स्टेप नंबर 2 इज द सेरामाइड हाइलुरोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड फाइनली द ब्लूबेरी हाइड्रेट रिपेयर बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन विद SPF 50, ये तो मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। विंटर्स में मैं यही सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत अच्छे नरिशमेंट देती है और ये बहुत पतली भी है। नेक्स्ट अप इज माई फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रही हूँ, द डॉट इन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन। पहले ही मुझे PR में आई थी तब 3 शेड्स आए थे, अब इन्होंने अपने शेड्स और बढ़ा दिए हैं विच इज़ अ वेरी बिग येस। आई लव द फैक्ट जब शेड्स आते हैं वो भी टिंटेड सनस्क्रीन में। टिंटेड सनस्क्रीन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग एक या दो शेड्स निकालते हैं, दैट्स इट। डॉट इन की अब 5 शेड्स हो चुके हैं, 3 शेड मैंने आपको उस वीडियो में दिखा दिए थे पहले भी, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, मैं 5 शेड्स ही डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो। मैं जो यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ सैंड, मुझे जो इनका सैंड शेड है वो ब्यूटीफुली सूट होता है। बट अब 2 शेड और आ चुके हैं, एक आया है वार्म आइवरी जो हल्का सा लाइट में है लेकिन वार्म अंडरटोन है, एंड नेक्स्ट अप वी हैव कैरमल जो और हल्का सा एक डार्क शेड इन्होंने निकाला है। सो 5 शेड का जो स्वॉच है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। दीज आर वेरी गुड डेली बेसिस के लिए, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आपको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, कवरेज अच्छी मिलती है, आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाती लेकिन उसको मैट भी नहीं बनाती, बहुत अच्छा इसका एक बीच ही कंसिस्टेंसी है जो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को ड्यूई रखती है। मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी स्किन मॉइस्चराइज फील होती है। जब भी डॉट इन की सेल आती है ना, मैं हमेशा इसको अपनी स्टोरीज में प्रमोट करती हूँ, और अभी भी अगर आप मेरा कोड लगाओगे आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यार डेफिनेटली ट्राई इट ऑल। So this was it for my huge PR haul. I hope आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगी होगी बिकॉज ज़्यादा तो मैंने रिव्यू इतना किया नहीं, बट लेट मी नो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ फ्यूचर में देखनी या फिर नहीं देखनी। मैं सबके लिंक्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कॉमेंट सेक्शन में आप डालोगे कॉमेंट कि आपको किसका रिव्यू चाहिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इस वीडियो में आप चाहते हो मैं प्रॉपर रिव्यू करूँ आपके लिए, मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू करूँगी। मुझे सिर्फ उसका नाम बताना कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो आपने खुद भी ट्राई किया, आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो, वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में, हैप्पी दिवाली, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड या दैट इज फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।